सो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करना पड़ेगा, एक भी वीडियो आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका फेसबुक में ऐसा वाला प्रॉब्लम निकाल के आता है, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी वीडियो यहाँ पे डिलीट नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली बहुत सारा क्रिएटर, बहुत सारा यूट्यूबर आपको ये वीडियो के बना के रखा है कि अगर ऐसा वाला प्रॉब्लम निकाल के आता है तो उसका गो टू पॉलिसी इशू में जाइए, वहाँ पर जितना सारा वीडियो आपको पॉलिसी इशू का खिलाफ आएगा वो वीडियो को सिंपली डिलीट कर दीजिए, देन ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। इवन मैं भी बना के रखा हूं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक नया ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूं, जिसमें क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी वीडियो डिलीट करने का जरूरत नहीं होगा। मैं यहां पे आपको लाइव जाकर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, वो लोग चाहते हैं कि ये वीडियो मेरी पेज में या प्रोफाइल में रहे, मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूं, तो कैसे मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करे वो भी मैं आपको यहां पे लाइव बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू कर लूंगा, लेकिन उसके बाद वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आया, अच्छा लगा, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को मेन टॉपिक चल जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आ चुका अपना मोबाइल का स्क्रीन में, उसका दोस्तों यहाँ से मैं अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाने के बाद मेरा जो 3 डॉट आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, जो DP है वहाँ पे मैंने टैप कर दूंगा। देन का दोस्तों यहाँ पे जो प्रोफेशनल डच रोल के मेरा ऑप्शन शो होता है, यहाँ पे टैप करूंगा। टैप करने के बाद दोस्तों सिंपली नीचे तरह आ जाऊंगा एंड यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल जाएगा मोनिटाइजेशन बोल के, यहाँ पे टैप कर दूंगा। देन का दोस्तों यहाँ पे एड्स ऑन रील्स एंड इनस्ट्रीम दोनों में कोई भी आप क्लिक कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंस्टीम में क्लिक कर देता हूँ। देन का दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो प्रॉब्लम मैंने बात कर रहा था, जो मोनेटाइजेशन लिमिटेड बोल के आता है, एंड वहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा यू आर नो लॉन्गर अर्निंग ऑफ सम ऑफ योर कॉन्टेंट बिकॉज इट इज़ नॉट फॉलोइंग आवर कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी। एंड ये जो प्रॉब्लम आने के बाद, जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी प्रॉब्लम आने के बाद, क्या आपका पेज में कुछ इफेक्ट होता है, क्या आपका अर्निंग टोटली बंद कर दिया जाता है, क्या प्रॉब्लम होता है, उसके ऊपर डिटेल्स मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे देता हूँ, आप जगह जरूर चेक कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम आने के बाद आपका पेज में या प्रोफाइल में क्या दिक्कत आता है, उस वीडियो में पूरा मैंने एक्सप्लेन करके रखा हूँ। तो अभी ये जो प्रॉब्लम आ चुका है कि मोनेटाइजेशन लिमिटेड बोल के, उसका नीचे देखिए गो टू पॉलिसी इशू, यहाँ पर टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद दोस्तों सीधा नीचे तरफ आ जाऊँगा, यहाँ पर देख लीजिए लिखा है कॉन्टेंट वायलेशन बोल के, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी कॉन्टेंट वायलेशन नहीं किया, ऊपर में लिखा है देख लीजिए नो मोनेटाइजेशन वायलेशन बोल के, लेकिन फिर मेरे को यहाँ पे कंटेंट वायलेशन बोल के नीचे आता है, तो सी जो ऑल है यहाँ पे टैप कर दूंगा। देन दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए मेरा दो जो वीडियो है यहाँ पे मेरा कंटेंट वायलेशन है, एंड ये मेरा इनस्ट्रीम ऐड वाला वीडियो है, बोले तो लॉन्ग वीडियो आप देख सकते हो, 8 मिनट 26 सेकंड का एक वीडियो है, एंड उसका नीचे 3 मिनट 21 सेकंड का एक वीडियो है, बोले तो दो वीडियो में मेरा प्रॉब्लम है एंड बगल में इशू आ चुका है। अगर आपने इशू के ऊपर टैप करते हो ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम शो हो जाएगा कि ये मेरा वीडियो है, इसका ये है, इसका इतना हैशटैग है, एंड कंटेंट इशू सब कुछ यहाँ पे आ जाते हैं, एंड उसके नीचे ऐड रेवेन्यू बोल के आ जाते हैं। वहाँ पे टैप करने के बाद ऐड रेवेन्यू ऑन होल्ड, मतलब मेरा जो इस वीडियो से जो अर्निंग होगा वो ऑन होल्ड में रखा है, बोलो तो इससे अभी अर्निंग नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि इसमें मेरा जो प्रोफाइल है, पेज है, पूरा इसको बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। एंड और एक जो वीडियो है उसमें भी सेम इशू में टैप करेंगे एंड वही प्रॉब्लम निकल के आता है, यहाँ पे कॉपीराइट आता है, यहाँ पे टैप करूँगा, वो भी यहाँ पे बताएगा कि मेरा जो रेवेन्यू है यहाँ पे होल्ड करके रखा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, नॉर्मली कैसे नॉर्मली सभी यूट्यूबर बोलते हैं, इवन मैं भी वीडियो बना के रखा हूँ कि ये जो जितना सारा दो वीडियो है, ये दो वीडियो को मेरे को डिलीट कर देना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा डिलीट नहीं करना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बैक करता हूँ, ओनली एड्स ऑन रील्स में जाने से भी आपको वही सेम चीज़ दिखने के लिए मिलेगा, एंड अगर आपने स्टार मोनेटाइजेशन पे जाते हो वो भी आपको वहाँ पे सेम चीज़ देखने की मिल जाए। देख लीजिए स्टार्ट में आ चुका हूँ, यानी यहाँ पे भी आपको वही सेम प्रॉब्लम देखने की मिल जाएगा, बोले तो एक ही जगह प्रॉब्लम आएगा तो आपको तीनों जगह में शो हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने यूज़ कर रहा हूँ फेसबुक प्रोफाइल है, अगर आपने पेज यूज़ करते हो तो उसका जो तरीका है थोड़ा डिफरेंस है। तो प्रोफाइल को सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैंने आपको पेज में जाकर बताऊँगा। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है, तो जो दो वीडियो में मेरा प्रॉब्लम आया मैंने देख चुका हूँ कौन सा वीडियो है, अभी वो वीडियो मैंने यहाँ पे निकाल दूंगा, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल में टैप कर दूंगा। पूरा ध्यान से स्टेप को फॉलो करना, थोड़ा इधर उधर होगा तो आपको मिलेगा नहीं, आप कर नहीं पाएगा। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल में टैप कर दिया हूँ, उसके बाद पोस्ट में सीधा जाऊँगा। बहुत सारा लोग बोलेगा भाई ऐसे क्यों जाएगा, डायरेक्ट आप वीडियो में जा सकते हैं ना, नहीं, वीडियो में जाने से नहीं होगा, आपको पोस्ट सेक्शन में जाके ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा दो वीडियो है, मेरा जो दो वीडियो है कौन सा वीडियो में आपका प्रॉब्लम है। तो मैंने पोस्ट सेक्शन में जाके नीचे तरफ आ जाता हूँ, वो वीडियो मुझे ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा वीडियो मेरे को बहुत सारा लोग यहाँ पर टैग कर रहा है, ये सब नहीं चाहिए।
ध्यान से देखना, कुछ मिस होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता हूँ एंड वो वीडियो ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका नीचे आ जाता हूँ एंड ये वाला वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे लिखा था एलएन का सब्जी मार्केट बोल के, तो ये है वो वीडियो। तो ये वीडियो को सिंपली आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने का प्रोसेस, यहाँ पे थ्री डॉट में टैप करके यहाँ पे देख लीजिए लिखा है मूव टू ट्रस्ट, मूव टू ट्रस्ट मतलब डिलीट, ये जो ऑप्शन में क्लिक करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करूँगा। क्या करूँगा, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए सी एनालिटिक्स एंड एड्स बोल के देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिंपली टैप करना। टैप करने का दोस्तों यहाँ पे बोलेगा टोटल एनालिटिक्स बोल के एंड उसका बगल में एरो मार्क आपको देखने को मिल जाएगा, ये एरो मार्क में आपको टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा सर्चिंग होगा एंड यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए अर्निंग्स बोल के एंड उसका नीचे एक सेटिंग्स बोल के ऑप्शन हो रहा है, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, मैंने मार्क कर देता हूँ। तो ये जो सेटिंग्स है यहाँ पे आपको टैप करना। टैप करने का दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एड्स ऑन वीडियो मेक मनी विद योर वीडियोस व्हेन यू अलाउ एड्स टू बी शो, ये मेरा एनेबल है, बाय डिफॉल्ट मेरा एनेबल हो जाता है क्योंकि मेरा इनस्ट्रीम एनेबल है। तो आपको सिंपली क्या करना, ये जो ऐड है इसको बंद कर देना, आप ये ऐड को बंद कर देना क्योंकि ये वीडियो में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से फेसबुक ने क्या कर रहा है, आपका ये वीडियो से जितना अर्निंग है होल्ड करके रखा है, इसीलिए वो प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो आपको वीडियो डिलीट नहीं करना, आप सिंपली इसको बंद कर दीजिए। बंद करने से क्या होगा, ये वीडियो से आपका अर्निंग नहीं होगा। लेकिन आप सोचेंगे तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, देखो डिलीट करने से बेहतर है आपका प्रोफाइल में या पेज में तो वीडियो रहे, डिलीट कर देने से क्या फ़ायदा, उससे तो ऐसे अर्निंग नहीं होगा ना, तो उससे बेटर आप रह दीजिए, रहने दीजिए लेकिन अर्निंग नहीं होगा। एंड बहुत सारे लोग बोलेगा ये मेरा ही वीडियो है तो मैं फेसबुक को एक रिपोर्ट भेज सकता हूँ, हाँ आप जरूर भेज सकते हो, रिव्यू में भेज सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, लेकिन रिव्यू भेजने से आपको इतना रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, फेसबुक से इतना अच्छा सा रेस्पॉन्स नहीं मिलते, वो लोग जब करते तो ऐसा ही हो जाता। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन को मैंने बंद कर दिया हूँ एंड जो और एक जो मेरा वीडियो था वो मैंने दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए मैं मोनेटाइजेशन बंद कर दिया हूँ, अभी वहाँ पे एक शो हो जाएगा, देख लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे प्रोफेशनल डस्टबिन में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे मोनेटाइजेशन में जाता हूँ, यहाँ पे इंस्ट्रीम ऐड में जाता हूँ, यहाँ पे पहले दो देखने को मिलता था, आप भी देखा हो मैं भी देखा हूँ, अभी देख लीजिए गो टू पॉलिसी में जाऊँगा एंड यहाँ पे मुझे देख लीजिए अभी एक देखने को मिला, देख लीजिए यहाँ पे पहले दो देखने के लिए मिल रहा था, आप याद कीजिए दो देखने के लिए मिल रहा था, अभी देखिए एक देखने के मिल रहा है क्योंकि वो प्रॉब्लम हट चुका है, लेकिन फिर भी एक है इसलिए ये प्रॉब्लम है, ये भी मैंने हटा देता हूँ आप लोगों के सामने, देखो पूरा चुटकियों में हटाऊंगा, यहाँ पे मैंने जाऊंगा अपना यहाँ पे जाऊंगा एंड फिर मैं अपना जो सेकंड जो वीडियो था, जो वीडियो को मैंने यहाँ से ढूंढ के निकालना है एंड उसको भी हटा के मैं दिखाता हूँ, देखो एक सेकंड रुक जाओ, वो वीडियो को थोड़ा आने दीजिए क्योंकि आप डायरेक्ट वीडियो से जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो नीचे की तरफ आ जाता हूँ, यहाँ पे शायद वो वीडियो मिल जाएगा, हाँ ये वो वीडियो है, ठीक है ये वीडियो का प्रॉब्लम है। तो सेम प्रोसेस है, सी एनालिटिक्स में जाऊँगा एंड उसके बाद यहाँ पे इसमें क्लिक करूँगा, इसके बाद यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करूँगा, उसके बाद ये भी ऐड को मैंने बंद कर दूँगा। तो देख लीजिए आप लोगों के सामने मैंने दो ऐड को बंद कर चुका हूँ, अभी फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं वहाँ पे जाके देखूँगा कि मेरा प्रॉब्लम वहाँ पे शो हो रहा है या गायब हो चुका है, ठीक है बैक करूँगा एंड अपना डीपी में जाऊंगा, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाऊंगा एंड दोस्तों यहाँ पे जाऊंगा मोनेटाइज सेक्शन में एंड दोस्तों फाइनली इंस्ट्रीम ऐड में जाऊंगा एंड दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बूम गायब, वो जो प्रॉब्लम था यहाँ से हट चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी वीडियो को डिलीट नहीं किया एंड उसके साथ मैं दूसरा में जाकर देखिए एड्स ऑन में जाइए, यहाँ पे भी गुम गायब, उसके बाद स्टार मोटिवेशन जाऊंगा वहाँ पे जाके देख लीजिए वो भी बूम गायब, बोले तो सभी जगह से मेरा जो प्रॉब्लम है हट चुका है लेकिन यहाँ पे मैंने एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया दोस्त। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप बताइए, डिलीट करने से बेहतर है आपका पेज में या प्रोफाइल में वीडियो रहेगा लेकिन आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो मैं तो पर्सनली बहुत खुश हो गया था जब मैंने ये ट्रिक को दिखा था एंड सोचा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का ट्रिक है। अभी जो लोग प्रोफाइल से यूज़ करते हो तो वो लोग क्या करना, क्रिएटर स्टूडियो में जाना एंड वहाँ पे सेम मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाके जो जो वीडियो में प्रॉब्लम है उसका मोनेटाइजेशन को बंद कर दीजिए, बस उतना सा काम करना और कुछ भी नहीं करना। तो आपका जो प्रॉब्लम है जो पहले आ रहा था जो मोनेटाइजेशन लिमिटेड बोल के वो प्रॉब्लम बूम करके गायब हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, अभी आपको बोला आप कमेंट करके बोलिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल में पहली बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और हाँ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना क्योंकि बहुत लोग ये प्रॉब्लम से परेशान है, इवन मैं भी परेशान था कि भाई कितना वीडियो डिलीट करे कितना वीडियो डिलीट करे, लेकिन फाइनली मैं आपको दिखा चुका हूँ कि बिना डिलीट करे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। आज की वीडियो में आपको क्लोज करता हूँ, मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जाओ अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।